वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद थे मोहसिन और रमीज। उन्होंने हमें कलाम सुनाए, उन्होंने हमें अपने ओरिजिनल सॉन्ग से जो है वो सुनाए। अभी हम के सेगमेंट में हमारे पास एक ज़बरदस्त कॉम्बो है। हमारे साथ हैं कंबर भाई और शहाब साहब। एक का ताल्लुक मार्केटिंग से है और एक का ताल्लुक VFX से है, तो इनका एक बहुत ज़बरदस्त डुओ है। आइए इनसे जानते हैं कि इनकी ईद कैसी गुजरी। तो स्टार्टिंग फ्रॉम यू साहब, आप बताएं कि आपकी ईद कैसी गुजरी। पहले तो आपको ईद मुबारक। ईद मुबारक। खैर मुबारक। ईद का दिन ऐसे ही होता है, बहुत टायरिंग फैमिली के साथ, और सब घर पे आते हैं, फिर नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, फिर वापस घर पे आ रहे हैं, मेहमान पे मेहमान आते जा रहे हैं, एक जा रहा है, दूसरा आ रहा है। माशाल्लाह बहुत बड़ी फैमिली। बहुत बड़ी फैमिली। तो दूसरा दिन असल में हमारा ईद का जो होता है सुकून करने का और ईद मनाने का होता है, उसी में आपने बुला लिया। बहुत बहुत मान रहे, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। कमर भाई आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक ईद मुबारक। ईद की स्टार्टिंग इस तरह हुई है कि सुबह नमाज के बाद फिर घर आके एक दो घंटे रेस्ट, फिर जब मेहमान आना शुरू होते हैं तो फिर उनसे मिलना जुलना, उनके साथ बैठना, डिशेज वगैरह होती है मुख्तलिफ, तो बस इसी चीज़ों में हमारा पहला दिन गुजर गया। दूसरे दिन पर आप लोगों ने बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। तो आपके घर में कोई रिवायती डिश ज़रूर बनती है ईद में? जी एक डिश तो है, पता नहीं आपको शायद पता हो उस बारे में, सज्जी बोलते हैं जो मतलब कुछ लोग उसको डिफरेंटली बनाते हैं। हमारा जो एक प्रोसीजर होता है उसको बनाने का, कि कोयलों के बीच में उसको रखते हैं और उसको दो तीन घंटे तक उसको पकाते हैं, तब जाके वो एक सज्जी बनती है। तो वो स्पेशल डिश है हमारी जो हम लंच में मेहमानों को देते हैं, तो वो खाते हैं, उनको मज़ा आता है, अच्छा लगता है। और आप बताएं। क्योंकि हम सिंधी हैं तो हमारे जो घर में नमाज से पहले मीठे पानी की मछली फ्राई बनती है और सवैयाँ नमाज से पहले खाते जाते हैं, फिर वापसी आते हैं। ज़बरदस्त। तो ईद में बचपन में हम देखते थे, हम नए कपड़े पहनते थे, ईदी जमा करते थे और फौरन से निकल जाते थे अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए। छले वाली गन खरीदते थे हम लोग फिर उसका रीलोड करके आपस में गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला माहौल बनाते थे। अब की ईद मेरे हिसाब से तो बहुत डिफरेंट है। आप बताएं कि आपकी ईद अब कैसे गुजरती है। यार जाहिर है आपकी ईद बहुत डिफरेंट है, पहले हम ईदी लेते थे, अब हम ईदी देते हैं। दूसरा ये कि पहले कोई काम या जिम्मेदारियाँ इतनी नहीं होती थी, अब पढ़ाई भी है और साथ साथ हमारा ट्रैवल का काम है, बिजनेस है। तो आपको पता है रमजानों में जो है वो ट्रैवल का बिजनेस बहुत ज़्यादा पीक पे होता है, क्योंकि सब उम्रे पे जा रहे होते हैं और ईद पे सब वापस आ रहे होते हैं, तो चांद रात तक हम लोग फुल पैक रहते हैं, तैयारियाँ और ये सब मिक्स हो रहा होता है हमारा, बहुत बहुत तो मतलब बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। हेक्टिक होता है, पहले जैसा नहीं है, खुशी है हमें। बेशक ये बात है। कमर भाई आप बताएं आपकी ईद कैसे गुजरती है। जब मेरे लिहाज से अभी तो बचपन वाली फीलिंग नहीं आती कि ईद आ रही है, मतलब अभी आप अभी हम बड़े हैं, आप भी बड़े हैं, एक प्रैक्टिकल लाइफ होती है, इंसान उसमें बिजी रहता है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं घर में अपने जो भांजे हैं भतीजे हैं उनसे ज़रा थोड़ा छुप के आगे पीछे नहीं ताकि ईदी ना देनी पड़े, मुझे ईदी वगैरह ना देना पड़े। बाकी इट्स अ गुड थिंग, मतलब फैमिली के साथ आप बैठते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं, तो ईद वाली फीलिंग तो आ ही जाती है जब हम बैठ के। हाँ ईद तो मोस्टली फैमिली के साथ ही गुजरती है, फैमिली दोस्त और फिर एंड में फिर आप रेस्ट ही करते हैं। आपकी ईद कैसे गुजरी? हमारी ईद तो बस सोते सोते गुजरी, पता भी नहीं चला। वही डेली का रूटीन, उठो तैयार हो फिर वापस से सो जाओ, और क्या करने जिंदगी में। तो काम के हवाले से आपने हमें बताया कि आपका ट्रैवलिंग का काम है माशाल्लाह से, उसके अलावा आप जो स्टडीज़ कर रहे हैं, आप जैसा कि हमें बताया अपने ऑडियंस को, आप VFX पढ़ रहे हैं, तो आपको मतलब आपको किस चीज़ की मोटिवेशन मिली कि आपने VFX चूज़ किया, क्योंकि ज़्यादातर लोग या तो मीडिया में फिल्म टीवी में जाते हैं या तो मार्केटिंग और बिजनेस में जाते हैं। यार क्योंकि पाकिस्तान में इसकी मार्केट बहुत कम है बेशक, और मैं हम लोग बचपन में ऐसे कमांडर सीफ गार्ड और भी ऐसे कार्टून्स होते थे जो हम लोग देखते थे, ये कमांडर सीफ गार्ड इसलिए मुझे याद है क्योंकि ये वाहिद पाकिस्तानी एक कार्टून है, कुछ और भी हैं मगर वो इतने मशहूर नहीं हुए जितने कमांडर सीफ गार्ड में। बेशक ऐसे ही मैं चाह रहा था कि और इस ऐसे कार्टून्स बने पाकिस्तान की तरफ से,
जैसे बाहर डिज्नी वगैरह सब अच्छा खासा काम है। मतलब आपका बेसिकली एनिमेशंस की तरफ ज़्यादा रुझान है। बेहतरीन। और आप जो है वो मार्केटिंग पढ़ रहे हैं जी, तो आपका क्या क्या विजन्स है, क्या गोल्स हैं उसको लेकर? यार असल में मेरी अभी 50% ओनरशिप है कबायल में, अगर आपने बुखारी में देखा होगा उसको। ओके। तो उसका मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब उसके मार्केटिंग वगैरह मैं खुद ही करता हूँ। okay. और मैं यहाँ से मार्केटिंग भी कर रहा हूँ, सो मेरा बैकग्राउंड है। सो दैट्स व्हाई आई चूज। ओके ओके, बेहतरीन। तो अपने ब्रांड के बारे में ज़रा कुछ पता है? मेरा जो ब्रांड है ये मतलब इसके ओनरशिप चेंज होते रहे हैं फॉर द पास्ट 3 ईयर्स। ओके। मुझे अभी 6 मंथ हुए मैंने इसकी ओनरशिप की है। मेरे साथ जो दूसरे पार्टनर है वो मेरे अपने क्लोज हैं, क्लोज फ्रेंड। तो बस अभी स्टार्ट किया है, अल्लाह का शुक्र है। बाकी साथ साथ काम करते रहेंगे, देखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मतलब जहाँ बैठ के चाय वगैरह पीते हैं जो आजकल कितने ट्रेंड वगैरह हो गए, तो उसके अलावा आपके मतलब फास्ट फूड भी है हमारे पास। तो सर मतलब आप आए, आप ट्राई करें, बैठे अपने। ज़रूर इंशाल्लाह। तो आप परफॉर्मिंग आर्ट सोसाइटी के अभी कोऑर्डिनेटर बने, तो आपको क्या लगता है कि पिछले जो हमारा जो सोसाइटी चल रही थी उसमें और अभी जब आप कोऑर्डिनेटर बने, आप क्या चेंजेस लाना चाह रहे हैं और क्या किस तरीके से आप लेके चलेंगे? पिछली मैं अभी यूनिवर्सिटी में मुझे हो गए 2 साल हो गए माशाल्लाह। तो इन 2 सालों में मैंने कोई थिएटर एक्ट नहीं देखा है, ठीक है। जैसे एक प्रॉपर थिएटर होता है वो मैंने अभी तक यहाँ पे नहीं देखा। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि अभी तो फिलहाल मतलब इनने म्यूज़िक और फिल्म को हटा दिया है परफॉर्मिंग आर्ट से, तो आई एम ओनली लेफ्ट विद द थिएटर। मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फोकस मेरा थिएटर पे हो, जिसमें मैं सर फॉर्म से भी हेल्प लेना चाहूँगा। हमारी जितनी मीडिया की जितनी फैकल्टी है उनको रीच आउट करके मैं इस चीज़ को थोड़ा बेहतर करूँ। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मेरे काफ़ी कॉन्टैक्ट्स हैं जैपिस्ट में, IBA में, तो उनके साथ मैं कोलैब करूँ और थिएटर को एक नया नाम दूँ, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करूँ। उससे पहले जो था जो नहीं था, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। आई एम श्योर के ईद के बाद जब मैं अपने मेंटोर के साथ बैठूंगा तो आई नो द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट सोसाइटी, तो उसके हिसाब से इंशाल्लाह सोसाइटी को चलाएंगे। मतलब ईद के बाद हम थिएटर एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो एनी प्रोजेक्ट राइट नाउ डू यू हैव लाइक इन योर माइंड राइट नाउ? आई हैव डिस्कस्ड विद सर फॉर्म, तो इंशाल्लाह उसके साथ बैठ के थिएटर का एक हमारा प्रोजेक्ट है तो उस पे हम काम करना शुरू करेंगे। बेशक। और सर आप बताएं, बड़ा मुस्कुराता हुआ चेहरा है, आपके क्या गोल्स हैं आगे? बिजनेस परस्यू करना है आपको जो है वो, एनिमेशन में अपना कोई प्रोडक्शन हाउस, अपनी टीम बैठानी है, किस तरीके से आप मूव फॉरवर्ड करना चाहेंगे? एनिमेशन जो है ये मेरा इंटरेस्ट है। ओके। और जो मेरा बिजनेस है वो हमारा फैमिली बैकग्राउंड चलता हुआ है, तो दोनों को इंशाल्लाह साथ साथ लेके चलेंगे। बड़ा मुश्किल होता है वैसे आजकल के ज़माने में दो तीन चीज़ों को एक साथ लेके चलना, स्पेशली अगर आपके स्टडीज़ चल रही हो और स्टडीज़ के साथ जॉब चल रही हो, फिर आपका पैशन अलग है, तो आई होप के बड़ा ज़रूरी भी होता है। बेशक उम्मीद करते हैं कि यू फुलफिल योर ड्रीम्स इंशाल्लाह। आप भी। एंड इट वाज लवली हैविंग यू गाइस ऑन। इट वाज लवली हैविंग यू गाइस। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हमारे साथ मौजूद थे कंबर साहब और शहाब भाई। इन्होंने अपने फील्ड्स के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में बड़ी मज़े की चीज़ें बताई हमें। अब हम इस सेगमेंट को यहीं पे एंड करेंगे और अगले सेगमेंट के लिए आप हमारे साथ ही रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। प्लीज स्टे ट्यून्ड।